तो नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज। राज, और आप पठानकोट से आए, है ना? और सुनो, आज आपको किस दिन आए थे यहाँ पे आप? हाँ जी, किस दिन आए थे आप? आज तो संडे, वीरवार आई थी। ये वीरवार की मीटिंग में आए थे, सुबह सुबह आए थे ना? हाँ जी। सुबह ये वीरवार की मीटिंग में आए थे और आज ये कुछ दिन रुके हैं, और आज संडे है, ये वीरवार के यहीं पे रुके हैं, और इनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। और उस पर्सनल प्रॉब्लम से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको हमारी इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए कितना टाइम हुआ? 6 महीने हो गए। अभी 6 महीने हुए, है ना? आपको प्रभु में आए हुए कितना टाइम हुआ? 2 साल। 2 साल हुए। और 2 साल पहले आप जो प्रेयर करते थे वो कैसे करते थे? वो नेगेटिव प्रेयर। नेगेटिव प्रेयर क्या कहते थे आप? वो इस तरह कहते थे, हे परमेश्वर, मेरे हस्बैंड की शराब छुड़ा दियो। हर बात के लिए ये कर दो, कर दो, कर दो, और ये रोज रोज ये ऐसे करते कि प्रभु करो 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 करो, रोज एवरीडे। और जब इन्होंने 6 महीने पहले हमारी इस मिनिस्ट्री को ऐसे देखा और सुना कि ये कहते हैं कि विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ कर चुका है ना, तो ऐसे सुना ना? और ये फिर जिस तरीके से हम सिखाते हैं विश्वास करना, प्रार्थना करना, इन्होंने उस तरह से करना शुरू किया। हाँ, तो अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, काम क्या है उनका? काम वो एमईएस विच नौकरी करते हैं। एमईएस जॉब है उनकी, सरकारी। हाँ जी। क्या होता है उसमें? वो गस्टर्ड अफसर थे, बीएसओ। गस्टर्ड ऑफिस थे? हाँ जी। किस चीज के? वो गस्टर्ड अफसर जो मिलिट्री विच सामान जांदा, जो मिलिट्री में जो सामान जितना भी सप्लाई होता है, हाँ, उसमें वो गस्टर्ड ऐसे ऑफिसर थे कि वो उनका काम था कि वो सारा सामान वो सप्लाई करते हैं। हाँ जी। तो उनकी अच्छी एक पोस्ट थी, पर नेगेटिव पावर की वो ग्रिप में थी, है ना? आज से कितने साल पहले उन्होंने ये ड्रिंक करना शुरू किया? हमारी शादी 30 साल हो गया, 30 साल तक। 30 साल से ही वो ड्रिंक कर रहे हैं, और 2 साल हुए इन्हें प्रभु में आए, और 6 महीने हुए हैं हमारी इस मिनिस्ट्री से इन्हें जुड़े, और ये पॉजिटिव शिक्षा और पॉजिटिव विश्वास, पॉजिटिव प्रेयर, हाँ, समझे हो? और आज ये अभी इनके हस्बैंड रिटायर हो गए, हाँ, अभी तो रिटायर हो गए ना थोड़ा सा, हाँ। तो अभी जब इन्होंने इस मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया, तब उनकी पोस्ट कहाँ पे थी? गंगा राजस्थान में थे। तब उन्होंने, जब ये राजस्थान में थे, जब इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया, और उसके बाद वहां से ड्यूटी पूरी होगी तो ये वापस अपने उसी शहर में पठानकोट आ गए, और वहां पे आपको, आपने किसी को हमारी मिनिस्ट्री की टीचिंग, ये शिक्षा के बारे में बताया था ना? हाँ जी, बताया। एक लेडीज को, हाँ, किसी लेडी को मैं बताया कि ये पॉजिटिव प्रेयर हम करते हैं, आप तो नेगेटिव करते हैं। मैंने बोला कि हम तो कहते हैं कि ये काम प्रभु ने कर दिया, हो चुका काम मेरा। हाँ। कहती नहीं, ऐसे नहीं कहते, कहते जो काम होया ही नहीं उसके लिए कहाँ कहें कि क्यों कहें कि ये काम हो चुका। हाँ। वो लेडीज से नहीं कहती कि जो काम हुआ ही नहीं वो कैसे कहें कि काम हो गया है, ये कैसी बात है? उन्होंने आपको एक उदाहरण दी थी ना, जैसे आपने मुझे बताया था, वो क्या कहते थे? वो कहती मेरी बेटी के घर बेटा हुआ तो दूसरी के कार, हाँ हुआ तो हम कहते हैं कि बेटा हुआ, तो दूसरी के कार बेटा नहीं, तो हम कैसे कहेंगे बेटा नहीं, हम कहते हैं परमेश्वर उसको भी दे दो बेटा। हाँ, कहते जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक बेटी के घर में बेटा हो गया तो अभी दूसरी के नहीं है, तो जब नहीं हुआ तो अब तो हमें ऐसे कहेंगे ना कि परमेश्वर हमें दे, क्या करें, ऐसे कैसे करें कि दे चुका है। ये हुम्मस बहुत है वहां, ऐसे कैसे के अभी चाहिए तो हमें कहेंगे कि दे, कैसे दे, तो ऐसे उन्होंने कहा। पर मैं आज जितने लोग इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव प्रेयर को सुनते और करते हैं, उनके लिए मैं आज उनको एक प्रूफ देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर बात सबूत के साथ बोलता हूं और बिब्लिकल बोलता हूं, ऐसे नहीं, हवा में नहीं। सबसे पहले हम
ओके ठीक है, आप बैठो, अभी मैं प्रूफ देता हूं। सबसे पहले आप रोम की पत्री उसकी 4:17 में जाओ, जहां पे ऐसे लिखा, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। आमेन। ध्यान से सुनो, हाँ कैसे लिखा, मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें है नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वह है। समझ आ रही है? अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया गया, जैसे आप बुलाए गए हो, जब अब्राहम बुलाया गया तो परमेश्वर ने उसे कहा कि अब्राहम, उसने एक प्रतिज्ञा को वादा किया कि मैं तेरे वंश से बहुत सी जातियों को बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बहुत सी जातियों को बनाऊंगा। तब जब परमेश्वर ने उसे कहा था उसकी एज 70 साल का था। हाँ सॉरी 75, हाँ 75 साल का था। और जब बुलाया गया, हाँ तो परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का क्या बनाऊंगा? पिता। तो लिखा अब्राहम उन बातों का जो परमेश्वर ने उसे कही थी उन बातों का नाम ऐसे लेने लगा जैसे मानो वो है, मानो वो है। मतलब जैसे अभी बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है। तो अब्राहम, अगर हम उत्पत्ति में जाएं तो अब्राहम लिखा जब रात को सोने के समय वो ऐसे तारों को गिनता था। कैसे? जब रात को वो सोता था तो तारों को देखता था, ऐसे गिनता था, और गिने नहीं जाते थे क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तेरा वंश में ऐसे। हाँ, और जब वो समुद्र के किनारे जाता था तो हाथ में ऐसे रेत की मुट्ठी लेकर उसको ऐसे छोड़ता था, एक मुट्ठी में कितने रेत के किनके हैं, वो ऐसे विश्वास करता था कि ऐसे है मेरे वंश से, जबकि उसके पास कोई क्या नहीं, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं। जैसे आज आपके पास अगर कुछ नहीं है, हाँ, तो आप क्या विश्वास करोगे, कैसे करोगे? अगर आप अब्राहम के जैसे करोगे, ये अनुग्रह की एक पॉजिटिव शिक्षा है। बोलो क्या है? जिसमें हम भिन्न देखे विश्वास करते हैं कि वो चीज है, पर इस सिस्टर जी को उस लेडी ने कहा कैसे कैसे है? अगर जो चीज है नहीं तो उसको तो मांगेगा ना कि दे, पर बाइबल बताती है कि अब्राहम उन बातों का नाम ऐसे लेने लगा जैसे मानो वो है। जैसे मानो, जैसे आज आपके पास बेबी नहीं है, आपके पास घर नहीं, आपके पास जो आपको चाहिए, आप बीमार हो, आप परेशान हो, आपके ऊपर कर्ज है, आपके पति के जीवन में नशा है, आपके बच्चों के जीवन में नशा है, आप खुद प्रॉब्लम में हो, तो आप विश्वास करो धन्यवाद के साथ। हाँ, जैसे आज अपनी गवाही सुनी है, हाँ ना, समझ आ रही ना? तो आपने खाली धन्यवाद करना है कि मेरे लिए है। जैसे इब्रानियों 11:1 में लिखा कि विश्वास आशा की हुई वस्तुएं, अब इब्रानियों 11:1 में ऐसे, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? परिणाम। बोलो क्या है? प्रणाम मतलब समझते, सबूत। जो चीज नजर नहीं आ रही आप विश्वास करो वो है। परमेश्वर क्या कहते हैं? विश्वास करो वो है, क्योंकि संसार का नियम और परमेश्वर का नियम अलग है। क्योंकि संसार देखकर विश्वास करता है, पर परमेश्वर का नियम कुछ अलग है। वो कहता है अगर नहीं नजर आता तो विश्वास कर वो है। हा? वो विश्वास कर वो है। संसार तो देखकर विश्वास करता है। जैसे अगर कोई संसार में बंदा है तो अगर बीमार है तो उससे पूछेगा क्या हाल है तेरा, तो बोले बहुत बीमार, बहुत बुरा। पर परमेश्वर का नियम अपने लोगों के लिए क्या है? अलग है। अगर बीमार हो, घर में कलेश है, कुछ भी नहीं है,
बहुत अब मुसीबत में हो, अब बस श्वास करो, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। समझ आ रही है? इसलिए यीशु मसीह ने, अगर आप मरकुस 11 की 22-23-24 पढ़ो, तो वहां पे यीशु मसीह ने ऐसे चेलों को कहा कि इस पहाड़ को कहो यहां से उखड़ और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में क्या ना करो, संदेह ना करो। क्या ना करो? संदेह ना करो। संदेह, जो कुछ तुम कहते हो अपने मुंह से, जो कुछ तुम कहते हो प्रतिति कर लो, तुम्हारे लिए हो गया। और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, विश्वास करोगे, प्रतीत करो, तुम्हारे लिए हो गया है। कैसे होगा? नहीं, हो गया है। मांगने के बाद प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि मेरे लिए। पर लोग क्या करते हैं? जैसे आज उन्होंने किसी चीज के लिए प्रार्थना की, सुबह की, दोपहर को की, शाम को भी वही प्रेयर, कल फिर वही, परसों, 10 दिन, महीना, साल, 10 साल, वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे दे, मेरे लिए कर। पर परमेश्वर का वचन, उसकी सच्चाई हमें बताती है कि जीसस ने कहा प्रतीति करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज के लिए, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं एक बार एक चीज के लिए एक ही बार प्रार्थना करता हूं, और दूसरी बार मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आप मुझे दे चुके, क्या कर चुके हो, अब मुझे दे चुके। और ये नहीं है कि ऐसे अगर मैं बोल रहा हूं, इस शिक्षा से, इस पॉजिटिव शिक्षा से, इस पॉजिटिव प्रेयर से बहुत से लोगों के जीवन बदले और बहुत से लोगों के जीवन की टेस्टामनी बन गई। मेरी खुद की कितनी है? समझ रहे हो? समझ आ रही है ना? क्योंकि हमने देखी हुई नहीं, अनदेखी चीजों को देखकर विश्वास करना कि वो है। बोलो क्या है? वो है। समझ आ रही है? अभी हो सकता है कि इस उपदेश को जो हम दे रहे हैं कोई दूसरा खराब कर सकता है। हाँ, नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत है। हो सकता है इस उपदेश को कोई आपको इस चीज से नेगेटिव कर सकता है। अगर आप इस चीज को अच्छे से नहीं जानते, नहीं समझते, आपको बाइबल का जो पूर्ण सच है, उसकी गंभीरता है, उसकी अगर आपको उसको अच्छे से नहीं, उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान, तो हो सकता है आपको कहें कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं, ये गलत लोग हैं, ऐसे नहीं होता। हो सकता है आपको ऐसे कोई नेगेटिव करें। पर जितने लोग इस शिक्षा को सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, यही सच्चाई है, यही सत्य है। और देखना आने वालों दिनों में, मैंने कहा आने वाले दिनों में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। समझ आ रही है? क्योंकि मुझे पता है कि आज भी लोग अपने पापों के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं कि माफ करो, त्याग करो, चंगा करो, अपने वंशों के शरापों के लिए। जबकि कुलसियों 2:14 में लिखा कि वो लेख, जो विधियों का लेख जो शैतान ने लिख दिया था, आज मसीह को क्रूस से किल्लों में जड़कर उसने आपके सामने से हटा दिया। क्या कर दिया है? सामने से हटा दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आप फ्री हो, आप जो विश्वास करोगे वही होगा। मैंने कहा आप जो विश्वास करोगे वही होगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हो सकता है कोई इस उपदेश को ऐसे क्या करे। हाँ, समझ आ रही है?